जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें UK SSSC में आपका वैकेंसी, आपका यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। 220 पोस्ट आपके लिए दी गई है। 30 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। 18 से 21 साल यहाँ पे आपका एज लिमिट मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 42 साल होना चाहिए। वहीं जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये, SC ST PW के लिए 150 रुपये की फीस दी गई है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको टाइपिंग नॉलेज है तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा एंड यहाँ पर अपनी पोस्ट जो है देख सकते हैं। रीडर है, असिस्टेंट, सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। आपका फोरमैन असिस्टेंट है, ग्राम पंचायत डेवलपर ऑफिसर है। तो यहाँ पे कैसे आप अपना फॉर्म जो है भर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस तरह का स्कूल के आ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको क्या है रजिस्ट्रेशन एंड आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो वो हम पूछता है आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वहीं आपको पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड आपका लास्ट नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर क्या है फर्स्ट और लास्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है आपको नीचे दिखाया फादर्स नेम एंड आपका मदर्स नेम आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपको अपना मैरिड है अनमेरिड है वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। वहीं पूछता है क्या आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास अवेलेबल है, तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको नीचे कर लेना है। पूछता है आपको क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है, एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज है, तो यस कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वहीं पूछता है क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आपने की है तो आपको यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ पर पूछता है क्या आप आपके पिता पति या उसके पिता उत्तराखंड में सेवारत राज्य सरकार केंद्र सरकार गठन में सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल में कर्मचारी रहे जिनकी सेवाओं उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपके अगर कोई आपका परिवार का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा है तो आपका यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर सकते हैं। एंड आपको पूछता है हैव यू सर्व्ड, आपने TA की नौकरी की है 2 साल, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। वही NC सर्टिफिकेट है, B आपके पास है, C आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप यस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा एग्जाम सेंटर, तो आपको 2 एग्जाम सेंटर यहाँ पर डालने होंगे। डालने के बाद आपको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपको वेदर डिवाइड बाई ब्लैक लिस्ट, आपको ब्लैक लिस्ट किया गया UPSC UKPSC किसी के द्वारा, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली नो कर दे, दोनों ऑप्शन नो कर देने। आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्रवाई है तो ये भी आपको नो करना होगा। वहीं आपको पूछता है कैटेगरी जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पूछता है आपका सर्टिफिकेशन इश्यू ऑथोरिटी किसने आपका जाति प्रमाण पत्र इश्यू किया है, किस डेट में इश्यू किया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है एंड आपका किस डिस्ट्रिक्ट ने इश्यू किया है, वो आपको डालना होगा। एंड सब कैटेगरी में विकलांग है या कोई इनमें से कोई चीज़ है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नीचे दिखाई देगा नन, तो आपको नन कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले क्या आपको अपना ईयर जो है सिलेक्ट करना होगा एंड मंथ डाल देना है एंड आपको डेट डाल देना है। ये डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। यही आपको पूछता है ईमेल आईडी, तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस में क्या आपको अपना हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, ठीक है, मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, ये सारी चीज़ जो है डाल देनी है। डालने का पोस्ट ऑफिस है, ये सारी चीज़ डालने का आपको किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका सिटी विलेज, तो कुछ भी आप अपना इनमें से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, आप और भी चीज़ डाल सकते हैं। पूछता परमानेंट है प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं बात करें पासवर्ड की, तो पासवर्ड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर मोड स्पेशल करेक्टर आपको यूज करना होगा। एंड आपको पासवर्ड कन्फर्म कर देना है दोबारा पासवर्ड डालने के बाद नीचे करना होगा। वहीं आपको जो सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है, तो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर
डालना होगा। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन, तो आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर पूछता आपका टेंथ, आपने टेंथ किस राज्य से पास किया है तो वो आपको डाल देना है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो आपको डालना हो, किस ईयर में किया है वो आपको डाल देना है, किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा, आप टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेंट डाल देना है। एंड यहाँ पर क्या आपका परसेंट जो है ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, तो यहाँ पर परसेंट डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है कोई इक्वा वैलेंट ने कुछ और कर रखा है तो आप अपना दे सकते हो, या जैसे ट्वेल्थ है तो आप ट्वेल्थ का भी आप अपना दे सकते हैं, यहाँ पर ट्वेल्थ का दे सकते हैं। एंड देने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका किस ईयर में आपने पास किया है, किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका परसेंटेज, तो टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेंट डाल देना है। एंड वही आपका आगे दिखाई देगा परसेंटेज, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका ग्रेजुएशन, तो आपको ग्रेजुएशन किस इंस्टीट्यूट से किस राज्य से पास किया है वो आपको डाल देना है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, किस ईयर में आपने पास किया है तो वो आपको डाल देना है, किस आपने टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन डाल देने हैं। डालने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना होगा। एंड डालने के बाद आपको नीचे कर लेना है, वहीं आपको नीचे कर लेंगे, नीचे आपका पीजी अवेलेबल है तो पीजी दे सकते हैं। एंड आपका पूछता है आपको पास एनसीसी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं पूछता है हैव यू ऑब्टेन कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, तो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। या पूछता है आपको मिनिमम वन ईयर डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स है वो आपको डालना, उसका पता है भी एक्सपीरियंस है आपको गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है सारी चीजें जो है नो कर देनी। नो करने के बाद आपको पूछा किस किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो जो जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है, जो जो आपको करनी है वो सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सभी पोस्ट जितनी पोस्ट है उतनी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपको क्या है प्रोसीड टू स्टेप थ्री के लिए आवेदन करना होगा, तो यहाँ पे क्या आपको एक और सारी डिटेल जो है चेक कर लेनी है, आपके पास कोई गलती तो नहीं है, तो गलती है तो आप अपना सुधार कर लेंगे। एंड आपका बिल्कुल सही है तो आपको क्या है प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे जो जो आपका अनिवार्य है वो आपको यहाँ पर देनी होगी, तो जो भर्ती अनिवार्य है वो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करके ही जाना होगा। अगर आपको क्या है यहाँ पर एंड आपने अपने सेकेंड स्टेप के लिए थर्ड स्टेप के लिए आपने क्लिक कर दिया प्रोसीड टू स्टेप थर्ड, तो आपका थर्ड स्टेप जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो अच्छे से चेक कर लेनी है एंड आपको फिल कर लेनी है, कोई गलती है तो आप अभी सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई देगा आपका फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ जो है लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल ही विलर नहीं होना चाहिए। विलर फोटोग्राफ होता है तो आपका फोन क्या रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। वहीं आपका सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे कर लेना है। एंड आपको प्रोसीड टू स्टेप थ्री के लिए क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिखा था फोटो साइज इनवैलिड, तो आपको यहाँ पर फोटो का साइज जो है इस तरीके से बनाना होगा। विड्थ एंड हाइट यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 से 100 के बीच में आपका फोटोग्राफ जो है मांगा गया है, तो फोटोग्राफ क्या आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए एवं लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर है 20 से लेकर 100 के बीच में मांगा गया है, तो सिग्नेचर भी आपको सही से अपलोड करना है। एंड आपने सेवन प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, जैसे आप सेवन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, वेट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा, तो सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक बार चेक कर लेना है, कोई गलती है तो आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो प्रोसीड क्लिक टू प्रोसीड आपको कर देना है। एंड पेमेंट के लिए खुल के आएगा तो पेमेंट आपको कर लेना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया, अगर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।